बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है रेन डिटेक्टर अलर्ट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको आपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिमुलेशन में सबसे पहले हमने अर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक रेन सेंसर यूज़ किया हुआ है, इसके बाद एक पुश बटन यूज़ किया हुआ है, इसके बाद टू LEDs यूज़ की हुई हैं, रेड और ग्रीन। LEDs की नेगेटिव पे 100 ओम की रिस्टेंस ग्राउंड से सीरीज़ में यूज़ की हुई है। इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है, इसके बाद 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है LCD के कंट्रास्ट सेटिंग के लिए। इसके बाद एक 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए Arduino का कोड ओपन करके XFL जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने Arduino ID पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है Arduino यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग, कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने XFL का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने सिमुलेशन में जाना है, यहाँ से आपने Arduino को क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज LCD पर डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिली सेकेंड डिले के लिए। इसके बाद LCD पे फर्स्ट लाइन में रेन का लेवल डिस्प्ले किया हुआ है 0 से 100%, और सेकेंड लाइन में हमने रेन अलर्ट शो किया हुआ है। अगर रेन का लेवल 30% से ड्रॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने सेकेंड लाइन में नॉर्मल डिस्प्ले करना है, और जैसे ही रेन का लेवल 30% से ओवर जाता है तो उसने सेकेंड लाइन में रेन अलर्ट का मैसेज देना है, और साथ ही इसने अलार्म जनरेट करना शुरू कर देना है। अगर अलार्म ऑफ़ करना होगा तो यहाँ से साइलेंट का बटन प्रेस करेंगे तो अलार्म ऑफ हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से रेन सेंसर से रेन की वैल्यू ड्रॉप करते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ से वैल्यू ड्रॉप करते जा रहे हैं, LCD पे रेन का लेवल कम होता जा रहा है, और जैसे ही वैल्यू 30 की इक्वल हुई है तो उस कंडीशन के ऊपर सेकेंड लाइन में नॉर्मल शो हो गया हुआ है, और साथ ही यहाँ पर रेड LED ऑफ होकर ग्रीन LED ऑन हो गई हुई है। तो यहाँ पर रेन सेंसर से जो वैल्यू रीड हो रही है, अगर वो 30% से ड्रॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने LCD पे नॉर्मल ही शो करना है, और साथ ही इसने ग्रीन LED ऑन रखनी है। रेन सेंसर पे रात को ओस पड़ने से रेन पे नमी की वैल्यू 20 से 25% होती है। तो यहाँ पर हमने 30 पे चेक लगाया हुआ है, जैसे ही 30 से वैल्यू ओवर जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर LCD पे रेन अलर्ट शो हो जाएगा और साथ ही रेड LED ऑन हो जाएगी। अब हम यहाँ से रेन सेंसर से वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो जैसे ही वैल्यू 30 से ओवर गई है तो उस कंडीशन के ऊपर रेड LED ऑन हो गई हुई है, और साथ ही LCD पे रेन अलर्ट का मैसेज शो हो गया हुआ है। अब जैसे जैसे रेन सेंसर पे नमी की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर इसका लेवल अप होता जाएगा, और साथ ही यहाँ पे अलार्म भी जनरेट होना शुरू हो गया हुआ है। अगर आपने एक दफ़ा अलार्म को साइलेंट कर दिया हुआ है तो जैसे ही रेन की वैल्यू नॉर्मल होगी तो दोबारा से अलार्म एक्टिव हो जाएगा, और तो जैसे ही दोबारा से रेन डिटेक्ट होगी तो अलार्म फिर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसको दोबारा फिर साइलेंट कर देते हैं। अब अलार्म तब तक साइलेंट रहेगा जब तक बारिश हो रही है। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है, इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है, इसके बाद Arduino यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद रेन सेंसर यूज़ किया हुआ है जो कि Arduino की A0 पिन के साथ अटैच है, इसके बाद एक पुश बटन यूज़ किया हुआ है, इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है, इसके बाद LCD की कंट्रास्ट सेटिंग की पिन पे 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है, और एनोड पे पॉजिटिव से 100 ओम की रिस्टेंस सीरीज़ में यूज़ की हुई है। इसके बाद टू LEDs यूज़ की हुई हैं, LEDs की नेगेटिव पे ग्राउंड से 100 ओम की रिस्टेंस सीरीज़ में यूज़ की हुई है, इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइंट कर लेते हैं।
वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है, इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद एलसीडी के लिए पिनें कॉल करवाई हुई हैं 2 से 7। इसके बाद यहाँ पर हमने रेंज सेंसर के लिए A0 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद ADC वैल्यू की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद परसेंट वैल्यू की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद साइलेंट के बटन के लिए A5 पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद साइलेंट की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही LEDs की पिन इनिशियलाइज की हुई है 8 और 9। इसके साथ ही बजर की पिन इनिशियलाइज की हुई है 13। इसके बाद अवार्ड सेटअप है, अवार्ड सेटअप में सबसे पहले सेंसर की पिन इनपुट बोर्ड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही साइलेंट के बटन की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद LEDs और बजर की पिनें आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 16x2 की LCD इनिशियलाइज की हुई है। LCD क्लियर करके फर्स्ट मैसेज LCD पर डिस्प्ले किया हुआ 2000 मिली सेकंड रिले के लिए। इसके बाद LCD क्लियर करके अवॉर्ड लूप में चले जाते हैं। अवॉर्ड लूप में सबसे पहले हम सेंसर की पिन एनालॉग रीड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ADC वैल्यू की वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं। तो जैसा कि सेंसर के लिए हमने A0 पिन इनिशियलाइज की हुई है, अर्डिनो यूनो के अंदर 10 बिट का ADC होता है। सेंसर के पिन पे 0 से 5 वोल्ट के सिग्नल पे हमें 0 से 1023 वैल्यू डिजिटल में मिल जाती है, और इस वैल्यू को हमने मैप किया हुआ है 0 से 100% में। तो यहाँ पे हम ADC वैल्यू की वेरिएबल कॉल करवा रहे हैं, और साथ ही ADC वैल्यू की वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं जो कि 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं जो कि 1023 है। इस वैल्यू के अगेंस्ट हमने जो वेरिएबल मैप करवानी है 0 से 100%। तो यहाँ पर जब ADC की वैल्यू 0 होगी तो उस कंडीशन के ऊपर परसेंटेज की वेरिएबल 100 की इक्वल होगी, और जब ADC की वैल्यू 1023 की इक्वल होगी तो उस कंडीशन के ऊपर परसेंटेज की वेरिएबल 0 होगी। तो यहाँ पर हमने परसेंट वैल्यू की वेरिएबल अपडेट की हुई है जो कि 0 से 1023 के अगेंस्ट हमें 0 से 100% में अपडेट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमने साइलेंट के बटन की पिन को डिजिटल रीड किया हुआ है, तो जैसे हम साइलेंट का बटन को प्रेस करते हैं तो साइलेंट के बटन की पिन 0 की इक्वल हो जाती है। तो उस कंडीशन के ऊपर हमने साइलेंट की वेरिएबल को 1 की इक्वल किया हुआ है। तो जब तक साइलेंट की वेरिएबल 0 की इक्वल रहती है बजर हमारी एक्टिव रहती है, और जैसे ही हम साइलेंट के बटन को प्रेस करते हैं साइलेंट की वेरिएबल 1 की इक्वल होती है तो बजर हमारी डीएक्टिव हो जाती है, और जैसे ही रेंज सेंसर की वैल्यू नॉर्मल होती है तो उस कंडीशन के ऊपर दोबारा से साइलेंट की वेरिएबल 0 की इक्वल हो जाती है, यानी कि बजर हमारी दोबारा से एक्टिव हो जाती है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है। इसके बाद LCD की फर्स्ट लाइन पे हमने रेंज सेंसर की वैल्यू डिस्प्ले की हुई है। इसके साथ ही सेकंड लाइन में हमने अलर्ट और नॉर्मल का नोटिफिकेशन डिस्प्ले किया हुआ है, और साथ ही परसेंट वैल्यू की वेरिएबल पे हमने चेक लगाया हुआ है। जैसे ही परसेंट वैल्यू की वेरिएबल 30 से ओवर जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर हमने साथ ही साइलेंट की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर साइलेंट की वेरिएबल 0 की इक्वल है तो हमने बजर की पिन को हाई कर देना है, और साथ ही LCD पे रेन अलर्ट डिस्प्ले कर देना है, और साथ ही ग्रीन LED को ऑफ करने के लिए ग्रीन LED की पिन पे लो राइड करवा देना है, और रेड LED को ऑन करने के लिए रेड LED की पिन पे हाई राइड करवा देना है। इसके बाद 300 मिलीसेकंड का डिले है। इसके बाद अगर परसेंट वैल्यू की वेरिएबल 30 के इक्वल है या 30 से ड्रॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने else में जाना है, और यहाँ पर हमने साइलेंट की वेरिएबल को 0 के इक्वल किया हुआ है, और साथ ही LCD पे नॉर्मल प्रिंट किया हुआ है, और साथ ही ग्रीन LED को ऑन करने के लिए ग्रीन LED की पिन पे हाई राइड किया हुआ है, और साथ ही रेड LED को ऑफ करने के लिए रेड LED की पिन पे लो राइड कराया हुआ है। इसके बाद बजर की पिन पे भी लो राइड किया हुआ है। इसके बाद 100 मिलीसेकंड का डिले है, 100 मिलीसेकंड डिले पे लूप रन होता रहता है। तो ये था हमारा कोड, चलिए अब इसको Arduino में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है Arduino यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट में जाना है, तो यहाँ से आपने पोर्ट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग, कोड मेरा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।